नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसमें पार्टी ने 10 लाख रुपए तक के इलाज और दवाइयों को मुफ्त करने का ऐलान किया है। इसके अलावा कहा गया है कि अगर राज्य में कांग्रेस की सरकार बनती है तो किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। पार्टी ने घोषणा पत्र में कहा कि वो किसानों का 3 लाख रुपए तक का कर्ज माफ कर देगी। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में महंगाई के मुद्दे का जिक्र करते हुए ऐलान किया है कि पार्टी अगर सरकार में आती है तो वो गृहिणियों को 500 में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा बिजली बिलों में राहत के लिए 300 यूनिट तक की खपत पर बिजली में छूट मिलेगी। और पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में युवाओं के लिए भी घोषणा की है। पार्टी ने कहा कि सत्ता में आने के बाद वो सरकारी और अर्ध सरकारी 10 लाख रिक्त पड़े पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके साथ बेरोजगार युवाओं को 3000 रुपए बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा। अपने घोषणा पत्र में छात्र शिक्षा को लेकर भी वादे किए गए हैं। पार्टी ने कहा कि महात्मा गांधी सार्वभौमिक शिक्षा नीति लाएगी जिससे कि छात्रों को सस्ती शिक्षा मुहैया कराई जा सके। तरुण भारद्वाज कांग्रेस नेता है, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तरुण जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत करती हूँ आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। धन्यवाद मैडम। तरुण जी, कांग्रेस का मैनिफेस्टो गुजरात के लिए आज जारी हुआ। बहुत सारे वादे, बहुत सारे दावे, ऐसा क्या खास है इसमें जो अन्य पार्टी अपने मैनिफेस्टो में नहीं लेकर आई? मैडम, गुजरात सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा गुजरात का इलेक्शन बड़ा क्रूशियल इलेक्शन है। इट इज जस्ट लाइक प्री एग्जामिनेशन टू 24 के इलेक्शन में। और जो भी वादे कांग्रेस ने किए हैं वो कांग्रेस ने अच्छी तरीके से सोच समझ के वादे किए हैं और पूरा करने की पूरी कुव्वत रखती है कांग्रेस इस चीज के लिए। और अच्छे रिजल्ट आएंगे, हमारे पक्ष में रिजल्ट आएंगे जी। तरुण जी, लेकिन जनता पूछ रही है कि जब 2019 में लोकसभा चुनाव हुए थे तब भी राहुल गांधी जी ने एक वादा किया था कि किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, जनता कैसे विश्वास करे गुजरात की? नहीं, क्यों विश्वास नहीं करे कि 2014 से पहले जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उस समय भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारी ने कर्जा माफ किया है। 75,000 करोड़ का पूरे देश भर के किसानों का कर्जा माफ किया था। तो पहले कर सकती है तो इस बार करेगी तो क्या दिक्कत है? ठीक है, जनता के लिए विश्वास करेगी। जब पहले महिलाओं को सिलेंडर, गैस सिलेंडर जो है उपलब्ध होगा 500 रुपए में जी, कैसे सर, कैसी प्लानिंग है, क्या तैयारी है सर, जनता जानना चाहती है। मैडम, आप खुद देखिए कि इस समय पेट्रोल डीजल और एलपीजी के भाव जो केंद्र सरकार ने निर्धारित किए हुए हैं इंटरनेशनल मार्केट से कम दुगना टैक्स वसूला जा रहा है। अगर सिर्फ हम इस टैक्स को कम कर दें तो रेट आपका 500 रुपए से भी नीचे आ जाएगा। मोदी सरकार जनता को लूटने का काम कर रही है। आप खुद देख रहे हैं कि किस तरीके से तेल की कीमतें बेताशा बढ़ाई जा रही है, जबरदस्ती बढ़ाई जा रही है। आप कह रहे हैं कि जो युवा हैं, जो खाली पड़े पद हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो अर्ध सरकारी हो, उसमें भी 10 लाख नौकरियां आप देंगे, भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। लेकिन जनता तो कह रही है और बीजेपी या फिर अन्य जो भी विपक्षी दल हैं वो ये कह रहे हैं कि आप राजस्थान में तो कुछ कर नहीं पाए, गुजरात में क्या करेंगे? मैडम, राजस्थान में कैसे नहीं किया, 5 साल से हमारी सरकार है। राजस्थान में भी हमने रोजगार दिए हैं लेकिन जो चीज केंद्र सरकार के हाथ में है, या रोजगार देना तो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में हो सकता है, लेकिन इसके पेट्रोल के, डीजल के, एलपीजी के दाम घटाना बढ़ाना ये तो केंद्र सरकार के हाथ में है। जब केंद्र सरकार अपने रेट कम नहीं करेगी, अपने टैक्सेस कम नहीं करेगी तो स्टेट गवर्नमेंट कैसे अपने टैक्सेस कम कर सकती है? चलिए ठीक है, एक और आखिरी सवाल तरुण जी आपसे। आपने कहा कि 3000 रुपए बेरोजगारी भत्ता युवाओं को दिया जाएगा जो बेरोजगार हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि युवा बेरोजगार हैं, दूसरी तरफ आप बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, तो जनता ये सवाल आपसे पूछ रही है। देखिए, मेरे सवाल नहीं है, सारे सवाल जनता के हैं। जनता ये पूछ रही है, आपका सवाल समझ गया कि एक तरफ तो हम रोजगार की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम बेरोजगारी भत्ता की बात कर रहे हैं। हाँ जी, मैं इस बारे में ये कहना चाहूंगा
कि जैसे ही सरकार शपथ लेती है तो रोजगार देने में 2-4-5 महीने का समय लग जाता है। सारी चीजों को स्ट्रीमलाइन करना, पॉलिसीज बनाना, कागजी कार्रवाई करना, इतना टाइम लग जाता है। जब तक ये कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक उन बेरोजगार युवाओं को रोजगार भत्ता दिया जा सकता है। चलिए ठीक है, क्लेरिफिकेशन जो था वो कहीं ना कहीं मिल गया है लोगों को कि कांग्रेस जब सत्ता में आती है अगर गुजरात में, तो जो स्टार्टिंग के समय रहेगा उस समय कोशिश की जाएगी कि तमाम बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए, लेकिन तब तक नहीं हो पाता, तब तक बेरोजगारी भत्ते से जो युवा है वो उसे काम चला ले, आप कहने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी मैडम। चलिए तरुण जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको गुजरात चुनाव के लिए। तो तरुण जी हमारे साथ बने हुए थे कांग्रेस नेता, क्योंकि आज कांग्रेस ने गुजरात में मैनिफेस्टो जारी किया है, बड़े बड़े लुभावने वादे किए हैं, लेकिन वादे कितने पूरे हो पाएंगे सबसे पहला सवाल ये है। और दूसरा सवाल ये कि पहले सत्ता में आइए, वादे तो तब पूरे होंगे, क्योंकि सीधी टक्कर जो है अगर एनालिस किया जाए तो सीधी टक्कर आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच नजर आती है गुजरात में। तो दिल्ली में नगर निगम चुनाव बेहद नजदीक है, लेकिन सियासी गर्मियां बेहद करीब हैं। भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच टक्कर देखने को मिल रही है, दोनों पार्टियों के बीच बयानबाजी का दौर भी बहुत तेज है। एक तरफ जहां बीजेपी आप पर निशाना साधने से कभी नहीं चूकती, तो वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल सरकार भी लगातार जवाब देती ही रहती है, और आज फिर ऐसा ही देखने के लिए मिला है। भाजपा के वार पर सीएम केजरीवाल ने पलटवार कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सिद्धार्थ गौतम और देवदत्त की कहानी सुनाते हुए कहा कि कहावत प्रचलित है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। आज दिल्ली के अंदर वही हालात है। दिल्ली के एलजी और बीजेपी वाले रोज जनता को तीर मार रहे हैं, रोज उन्हें तंग कर रहे हैं, उनके काम रोक रहे हैं। योगा क्लास बंद होने को लेकर भी सीएम केजरीवाल ने भाजपा को घेरा और कहा कि सबसे ज्यादा दुख हुआ कि उन लोगों ने योगा की क्लासेस भी बंद करवा दी। एलजी और बीजेपी ने मिलकर दिल्ली के अंदर जो 17,000 लोग योग किया करते थे उसे बंद कर दिया है। 17,000 लोगों का योग करने से रोका गया है। हमारा टारगेट था कि हम 17,00,000 लोगों को योग कराएंगे, लेकिन इन्होंने जो 17,000 लोग थे उन्हें भी रोक दिया है। तो भाई बीजेपी कह रही है कि योग तो तब होगा जब दिल्ली की हवा स्वस्थ होगी, साफ होगी और पॉल्यूशन कम होगा, क्योंकि बीजेपी लगातार ये कहती है कि दिल्ली में पूरी तरह से आम आदमी पार्टी ने उसे गैस चैम्बर बना दिया है। सबसे ज्यादा दुख हुआ जब कुछ दिन पहले उन्होंने योगा की क्लासेस बंद कर दी। एलजी साहब ने और बीजेपी ने मिलके दिल्ली के अंदर जो 17,000 लोग योग किया करते थे उन 17,000 लोगों को योग करने से रोका गया। हमारा तो टारगेट था कि हम 17,00,000 लोगों को योग कराएंगे, लेकिन इन्होंने उसको 17,000 लोग जो योग करते थे उनको भी रोक दिया। इन्होंने कहा कि योगा टीचर्स की तनख्वाह नहीं दी जाएगी, योगा टीचर्स को क्लासेस में जाने से रोका गया। मतलब योग करने से कौन रोकता है? ये तो योग किसी कोई योग कर रहा है उसको रोकना तो पाप है। हमें बहुत दुख हुआ, लोगों को बहुत दुख हुआ, लोगों के व्हाट्सएप पूरी दिल्ली के अंदर लोगों में बहुत गुस्सा था कि यार ये कैसे लोग हैं जो योग करने से लोगों को रोकते हैं। तब मैंने बहुत लोगों से बात की और सबने मिलकर ये तय किया कि हम दिल्ली के अंदर योगा की क्लासेस बंद नहीं होने देंगे। एक तरह से जैसे उसने देवदत्त ने तीर चलाया था हंस के ऊपर, एलजी साहब ने और बीजेपी वालों ने तीर चलाया था दिल्ली की जनता के ऊपर कि योगा की क्लासेस बंद करेंगे। हमने तीर निकाला, मरहम पट्टी की और हमने तय किया कि दिल्ली के लोग मिलके किसी हालत में योगा की क्लासेस बंद नहीं होने देंगे। तो बात अब तीर कमान तक पहुंच चुकी है। उमा सिसोदिया अपने नेता हमारे साथ जुड़ गई हैं फोन लाइन पे। उमा जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। जी उमा जी, बहुत दुख हो रहा है कि योगा की क्लासेस बंद हो गई हैं। अरविंद केजरीवाल साहब लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि 17,000 लोग इकट्ठा हुए थे योग करने के लिए और हमारी कोशिश थी कि 17,00,000 तक पहुंचे, लेकिन बीजेपी ने और एलजी साहब ने ऐसा तीर कमान से छोड़ा है कि वो दिल्ली की जनता को सीधे तौर पर विचलित कर रहा है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि आप योगा तो तब करिएगा ना जब दिल्ली में शुद्ध हवा होगी। जी देखिए, योगा हो चाहे राम मंदिर हो, राम हो चाहे हमारा सनातन धर्म हो,
चाहे हिंदू धर्म हो, ये बीजेपी ने सिर्फ और सिर्फ अपनी बकौती समझ लिया है। उनको लगता है कि ये देश सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के जो कार्यकर्ता है सिर्फ उनका है, जबकि ऐसा नहीं है। ये देश, ये धर्म, ये हिंदू धर्म, ये हमारी संस्कृति, हमारी सनातन संस्कृति हिंदुस्तान में रहने वाले हर व्यक्ति की है, ना कि बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं की। और बीजेपी इस बात को अच्छी तरह से समझ ले कि जितने मतलब जितने अच्छे हिंदुस्तानी वो खुद को बोलते हैं कि हम तो हम देशभक्त हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, आम आदमी पार्टी और इस देश का प्रत्येक नागरिक उतना ही ज्यादा देशभक्त हिंदुस्तानी है, हम भी उतने ही देशभक्त हिंदुस्तानी है। योग हमारी संस्कृति है, हिंदुस्तान का हर व्यक्ति योग करना चाहता है। अगर उनको लगता है कि सिर्फ बाबा रामदेव का योग है या मोदी जी जो योग करते हैं 50,000 लोगों के सामने देहरादून में आके, तो उनको ये लगता है कि वही एक योग है, तो हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। आम आदमी पार्टी इस देश के लोगों के साथ है, इस देश के लोगों की समस्याओं के साथ है और देश के लोग जो योग करना चाहते हैं कितने लेकिन जनता कह रही है दिल्ली की कि मसला योग करने से नहीं है, मसला ये है कि दिल्ली में हवा तो सही हो जाए, जो प्रदूषण इतना फैला हुआ है वो ठीक हो जाए, तो फिर योगा करने में तो कोई परेशानी है ही नहीं। लेकिन जिस तरीके से योगा क्लासेस रोक के एलजी साहब ने इसका राजनीतिकरण किया है, मैं इस बात का पूरी तरह से विरोध करती हूँ। लोग समझदार हैं, लोग पढ़े लिखे हैं, उनको मालूम है उनको कब योग करना है और कब नहीं करना है, किस एक्सटेंट से उनको योग करना है, कितना उनको योग करना है, उनको सबको मालूम है। योगा टीचर्स को भी मालूम है उन्हें क्या योग कराने हैं, कौन से आसन कराने हैं, कौन सा प्राणायाम कराना है, उनको सब मालूम है। यानी आप ये कहने की कोशिश कर रही हैं कि चाहे पोल्यूशन कितना भी हो, योगा क्लासेस रुकनी नहीं चाहिए। मैं तो कहती हूँ योगा क्लासेस से फेफड़े और मजबूत होंगे, इस पोल्यूशन को और अच्छे से झेल पाएंगे, और खाली दिल्ली में क्यों, पूरे देश में पोल्यूशन की जो हालत है। आप इस बात को भी तो देखिए, योगा क्लासेस करने से, प्राणायाम करने से फेफड़े तो और मजबूत होंगे ना। ये तो हमारा कहते हैं योग में, जो योगी के जो ऋषि थे ना हजारों साल पहले, इस बात को उन्होंने बताया है, जस्टिफाई किया है, और आज हम इसलिए योग करते हैं कि हमारे फेफड़े मजबूत हों, हम ज्यादा से ज्यादा अपने फेफड़ों को मजबूत कर पाए, इसलिए हम लोग योग करें। और आप कह रहे हैं कि आप योगा रोक दीजिए, बड़ी अजीब सी बात है भैया। तो बिल्कुल मतलब मैं कहती हूँ बिल्कुल आपकी एकदम कॉन्ट्रोवर्शियल बात होगी, एकदम उल्टी बात है। चलिए ठीक है, ये थोड़ा सोचना चाहिए। जिस तरीके से एलजी साहब राजनीति कर रहे हैं, इस तरह बहुत विविध राजनीति है और दिल्ली की जनता देख रही है। और आज दिल्ली की जनता ने बोला है कि हम योगा क्लासेस नहीं रोकेंगे, अरविंद केजरीवाल ने नहीं बोला है। अरविंद केजरीवाल तो जनता की आवाज है, जनता बोल रही थी वो केजरीवाल जी बोल रहे हैं, ठीक है। और आज केजरीवाल जी ने एक व्हाट्सएप नंबर भी वहाँ पर दिया है, ठीक है। योगा जी बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर। तो अरविंद केजरीवाल साहब लगातार ये कह रहे हैं कि भाजपा और एलजी साहब जो है वो योगा क्लासेस बंद करवा रहे हैं, लेकिन लगातार बीजेपी ये कह रही है कि जब तक दिल्ली की हवा प्रदूषित रहेगी तो योगा क्लासेस कैसे हो जाएगी। लेकिन अभी भी आम आदमी पार्टी कह रही है, जैसा कि अभी मेरे साथ उमा सिसोदिया जी जुड़ी थी, उनका साफ तौर पर कहना है कि योग करने से तो फेफड़े मजबूत होंगे। तो यानी ये जो राजनीति है वो योगा को लेकर भी है, वो कूड़े को लेकर भी है, और प्रदूषण को लेकर भी है, यमुना को लेकर भी है, बहुत सारे दिल्ली में मुद्दे हैं और जनता पूरी तरह से जागरूक है। पश्चिम बंगाल के मंत्री अखिल गिरी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर की गई विवादित टिप्पणी के बाद घिर गए हैं। बीजेपी ने उन पर जमकर निशाना साधा है और चौतरफा गिरे हैं। बीजेपी सांसद सौमित्रा खान ने राष्ट्रीय महिला आयोग को पत्र लिखकर अखिल गिरी को तुरंत गिरफ्तार करने और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग की। इतना ही नहीं, उन्हें विधायक पद से भी बर्खास्त करने की कोशिश करने की मांग की गई है। साथ ही बीजेपी ने नंदीग्राम में टीएमसी मंत्री अखिल गिरी के खिलाफ एक शिकायत भी दर्ज कराई है। अखिल गिरी ने शुक्रवार को नंदीग्राम के गांव में रैली को संबोधित कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर विवादित टिप्पणी कर दी। इसका 17 सेकंड का एक वीडियो भी वायरल हुआ था। हालांकि अखिल गिरी ने अपनी इस टिप्पणी पर माफी मांग ली है। उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रपति का सम्मान करता हूं, मैंने पोस्ट का जिक्र किया और शुभेंद्र अधिकारी को जवाब देने के लिए इस तरह की तुलना की। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैं भी एक मंत्री हूं, मैंने भी पद की शपथ ली है। अगर मेरे खिलाफ कुछ कहा जाता है तो यह संविधान का अपमान है। वहीं बीसीसीआई सचिव जय शाह आईसीसी की प्रभावशाली वित्त और वाणिज्य मामलों की समिति के प्रमुख बनाए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट शासी निकाय की वित्त और वाणिज्य मामलों की समिति आईसीसी आयोजनों के लिए
बजट आवंटन तय करती है और कुल राजस्व पूल से सदस्य देशों को धन के वितरण की देखभाल करती है। मेलबर्न में इस सप्ताह के अंत में आईसीसी बोर्ड की बैठक से एक हफ्ते से अधिक समय पहले जय शाह और आईपीएल अध्यक्ष अरुण धूमल के नेतृत्व में बीसीसीआई की टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंची। आईसीसी बोर्ड में बीसीसीआई प्रतिनिधि के रूप में शाह ने भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली की सीख ली। धूमल मुख्य कार्यकारी समिति के सदस्य होंगे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि शाह FNCA के सदस्य भी होंगे और क्रिकेट आयरलैंड के पूर्व अध्यक्ष रॉस मैकुलम की जगह लेने के लिए तैयार हैं, जो मार्च 2023 में अपनी अगली बैठक में भी पूरी तरह से उद्यत समिति के अध्यक्ष के रूप में जल्द ही सेवानिवृत्त हो रहे हैं। आईसीसी बोर्ड ने सर्वसम्मति से ग्रेग बर्कले को आईसीसी के स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में दूसरे 2 साल के कार्यकाल के लिए फिर से चुना है, जैसा कि शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट शासी निकाय द्वारा घोषित किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करेंगे कुछ और खबरों का। सितारगंज यूनियन बैंक में 105 साल में प्रवेश कर लिया है। बैंक के प्रबंधन ने केक काटकर स्थापना दिवस मनाया। इस दौरान व्यापारियों किसानों के साथ ही खाताधारकों को बैंक में संचालित सुविधाजनक योजनाओं की जानकारी दी गई। यूनियन बैंक में किसानों व्यापारियों विद्यार्थियों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं। वहीं ब्रांच मैनेजर प्रियंक गुप्ता ने बताया कि 599 दिनों तक फिक्स डिपॉजिट करने वाले वरिष्ठ नागरिकों को अधिकतम ब्याज उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि बैंक में गृह ऋण, कृषि ऋण, वाहन ऋण, शिक्षा ऋण के साथ ही न्यूनतम ब्याज दरों पर गोल्ड लोन खाताधारकों को उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री जनधन योजना, PPF, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के लाभांश भी खाताधारकों को सुविधा दी जा रही है। विकासखंड नारायणबगड़ में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत प्रकाश चंद्र मैखुरी का पदोन्नति के साथ स्थानांतरण होने पर ग्राम प्रधानों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों और नागरिकों ने उनकी विदाई के अवसर पर सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर जनप्रतिनिधियों और लोगों ने अधिकारियों को फूलमाला और उपहार भेंट किए। इस मौके पर जनप्रतिनिधियों ने प्रकाश चंद मैखुरी की कार्यशैली की तारीफ करते हुए उनको पदोन्नति पर बधाई और शुभकामनाएं दी। पदोन्नत अधिकारी ने भी कहा कि सभी जनप्रतिनिधियों के सहयोग से वे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को संपादित कर पाए और इसके लिए उन्होंने सभी का आभार व्यक्त किया। बता दें कि ग्राम विकास अधिकारी के पद से पदोन्नत होकर प्रकाश चंद मैखुरी सहायक खंड विकास अधिकारी के पद पर विकासखंड कर्णप्रयाग में कार्य करेंगे। भी हमारे प्रधान जी लोगों का, सभी यहाँ पे जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि उपस्थित हुए, उनका तहे दिल से उनका धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने जो है मेरे यहाँ से जो है पदोन्नति पर जाने के उपरांत ये सम्मान समारोह रखा है। उसके लिए मैं दिल से आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ और तहे दिल से आपको जो है अपनी शुभकामनाएँ देता हूँ। सितारगंज में वन विभाग टीम ने रिजर्व फॉरेस्ट एरिया गोठा में गश्त के दौरान अवैध कटान कर ले जा रहे 21 यूकलिप्स के लट्ठे समेत ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़कर सीज कर दिया। वहीं ट्रैक्टर चालक मौके से फरार होने में सफल रहा। बाराकोली रेंज के प्रभारी रेंजर महेंद्र सिंह ने बताया कि गोठा के रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में गश्त के दौरान टीम ने एक ट्रैक्टर ट्रॉली को आते देखा। विभागीय टीम को मौके पर देख ट्रैक्टर के जो ड्राइवर थे वहां ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर मौके से फरार हो गए। वहीं ट्रैक्टर की जांच के जाने पर टीम को 21 यूकलिप्स के जो पेड़ हैं यानी कि जो लट्ठे हैं वो बरामद हुए हैं, जिस पर विभागीय टीम ने लट्ठे को अपने कब्जे में लेते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली को सीज कर दिया। रेंजर महीन ने बताया कि मौके से फरार हुए अज्ञात ड्राइवरों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उत्तरकाशी व्यक्तिगत नागरिक मामलों को नियंत्रित करने वाले कानून और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर राज्य स्तरीय समान नागरिक संहिता विशेषज्ञ समिति के सदस्यों ने पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम में आम नागरिकों के साथ समीक्षा कर उनके सुझाव लिए। चर्चा के दौरान उपस्थित लोगों ने समिति को अपने अपने सुझाव दिए। समिति के पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह, दून विश्वविद्यालय उप कुलपति डॉक्टर सुरेखा डंगवाल, समाज सेवी डॉक्टर मनु गौड़ ने व्यक्तिगत नागरिक मामलों को नियंत्रित करने वाले कानून और समान नागरिक संहिता की रूपरेखा के बारे में जानकारी दी। समिति ने विवाह, तलाक, गोद लेना, संपत्ति का अधिकार
और लिविंग रिलेशनशिप, समलैंगिकता और जनसंख्या नियंत्रण आदि को लेकर परिचर्चा की और सुझाव लिए। वहीं रावल हरीश सेमवाल ने देश को सर्वोपरि रखते हुए समान अधिकार बनाने पर अपने सुझाव दिए। प्रोफेसर मधु थपलियाल ने नए दौर के समाज में लिविंग रिलेशनशिप को अनिवार्य रूप से पंजीकृत करने और लड़के और लड़की की उम्र 18 और 21 वर्ष से अधिक करने पर अपने सुझाव दिए हैं। अधिकांश प्रबुद्ध जन द्वारा लड़के और लड़की की शादी की उम्र 23 वर्ष करने और अधिक बढ़ाने पर भी अपने सुझाव दिए गए। साथ ही महिलाओं को पुरुषों के बराबर संपत्ति का अधिकार दिए जाने पर भी चर्चा की गई। लैंसडाउन तहसील के पटवारिया कानूनगो का हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने को लेकर आए आवेदनकर्ता के बीच पैसे की लेन देन संबंधित एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें संबंधित पटवारी द्वारा दो पूर्व मुख्यमंत्रियों को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई। पैसे के लेन देन और भारतीय जनता पार्टी के दोनों पूर्व सीएम पर अभद्र टिप्पणी को लेकर अब भाजपा भी मुखर हो गई है और कार्यकर्ता मामले में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जहां सांसद प्रतिनिधि ओम प्रकाश जुगरान ने कड़े शब्दों में मामले की निंदा करते हुए अभद्र टिप्पणी करने वाली पटवारी पर कार्रवाई की मांग की, तो वहीं बीजेपी के मंडल उपाध्यक्ष युवा मोर्चा संदीप सिंह रावत के साथ सुरेंद्र सिंह भंडारी और हर्षमणि द्वारा जिलाधिकारी से संबंधित प्रकरण में कठोर कार्रवाई करने को लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। साथ ही इसको लेकर जिलाधिकारी डॉ. राजेश चौहान उन्हें अवगत करा रहे हैं कि मामले का संज्ञान लेते हुए उन्होंने उप जिलाधिकारी लैंसडाउन को जांच अधिकारी नामित करते हुए प्रकरण की सत्ता और वस्तुस्थिति की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। ये बड़ा मैंने भी सोशल मीडिया पे सुना है और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये वातावरण हो गया है उत्तराखंड में। इस तरह से अगर ब्यूरोक्रेसी वाले बातें करें ये अच्छा नहीं है। जनता में क्या मैसेज आ रहा है ये इन्हें खुद सोचना चाहिए। जिस हिसाब से वो बातें कर रही है अपने प्रदेश के मुखियाओं के लिए, इस तरह की भाषा का प्रयोग करना कोई अच्छी बात नहीं है। और उसके ऊपर एक महिला और गधों का शब्दों का प्रयोग करना क्या शोभनीय है, बहुत गलत बात है। और जिस हिसाब से उनका लेन देन का मामला चल रहा है बहुत भ्रष्टाचार का मामला है और इसमें सरकार का कुछ नहीं है। तुरंत ब्यूरोक्रेसी जो हमारे हाई अथॉरिटी है, मैं डीएम साहब से भी गुहार करूंगा कि इनको तुरंत एक्शन में लेते हुए इनको सस्पेंड के इनको टर्मिनेट कर दीजिए। जैसे ही ये वीडियो मेरे संज्ञान में आया या वायरल हो रहा था तो उस क्रम में हम लोगों ने एसडीएम से जांच रिपोर्ट मांग रखी और जैसे ही एसडीएम स्तर से इस संबंध में प्रामाणिक रिपोर्ट हमारे पास में उपलब्ध होगी उसके अकॉर्डिंगली हम लोग एप्रोप्रिएट एक्शन। वहीं रुड़की में बेशकीमती जमीन के मालिकाना हक को लेकर दो पक्षों के विवाद में रुड़की तहसील प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, जहां जमीन से संबंधित कागजात की जांच पड़ताल की गई। दोनों पक्षों को आमने सामने कागज लेकर उच्च अधिकारियों के समक्ष पेश करने की बात कही गई। दरअसल रुड़की मलकपुर चुंगे स्थित सड़क किनारे बेशकीमती जमीन को लेकर दो पक्ष मालिकाना हक का दावा कर रहे हैं। रुड़की के कांग्रेसी नेता का दावा है कि जमीन उनकी है, जबकि दूसरा पक्ष धार्मिक संस्था से जुड़े शख्स का है कि जमीन उसकी संस्था के नाम पर है, लेकिन उस पर कुछ लोग जबरन कब्जा करना चाहते हैं, जिसको लेकर प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत की गई थी। शिकायत पर रुड़की तहसील की टीम मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों की बात सुनी, मौका मुआयना किया गया और दोनों पक्षों को जमीन से संबंधित कागजात उच्च अधिकारियों के सामने पेश करने की बात कही गई है। लाल पुत्र प्यारे लाल निवासी आरपी मिशन कंपाउंड 3 सिविल लाइन रुड़की तहसील रुड़की जिला हरिद्वार का प्रार्थना पत्र था, तो इसमें एक परवेज भी हैं और एक साहिल है। इनके प्रार्थना पत्र पे ये मलकपुर के खसरा नंबर 254-55-56 इसकी पैमाइश के लिए आए थे। इनमें दूसरे पक्ष जो यहाँ पे हैं उन्होंने एक रजिस्ट्री पेश की, तो दोनों पक्षों के कागज लेके विधिक राय लेने के बाद क्या होगा तब आगे कार्रवाई। वो एक नकल खतौनी पेश कर रहे हैं कि इसमें हमारा नाम है, वो एक सेल डीड दिखा रहे हैं, आगे क्या होगा देखेंगे, परीक्षण करेंगे, अभिलेख होगा, उसके बाद कोई कार्रवाई होगी। जांच के बाद जाँच के तो नाम है जी, हम क्या देने वाले। हमारा ऐसा कोई विवाद नहीं है, ये हमारी 1898 से ये SPD मिशन के नाम से ये ज़मीन खरीदी गई थी और इसमें हमारे भी जो खतौनी करंट की हमने निकलवाई है उसमें हमारा 254/1, 254/55/1 और 256/1 हमारे नाम से खतौनी में हमारी ज़मीन आती है। तो हमने तहसीलदार साहब के रेजिडेंट साहब के यहाँ दरख्वास्त दी है कि हमारी ज़मीन की पैमाइश कराई जाए, तो हमने दरख्वास्त दे दी है। कागजों के हिसाब से उन्होंने दूसरी पार्टी जो है
मौके पे है, उनको भी बुलवाया, दोनों से पेपर मंगवाए, वो चेक करेंगे, आगे अंतिम कार्रवाई हो। में लगभग 17 बीघे जमीन है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी शहजाद मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शहजाद, क्या कुछ ये पूरा मामला है और इस पूरे मामले का निस्तारण किस तरह से किया जाएगा? मैं आपको बता दूं, मलकपुर स्थित है जो जमीन बैठ कीमती जमीन है, पर काफी लंबे समय से कांग्रेस के नेता का कब्जा भी है, और वहीं अगर देखा जाए तो मिशन के जो अधिकारी है उन्होंने तहसील में तहरीर दी थी कि उनकी जमीन है, उन्होंने उसको तैनात के लिए वहां पर तहसील प्रशासन की टीम पहुंची, वहीं पर जब दूसरे पक्ष ने उनको जो उनके पास अभिलेख जो भी थे उनको दिखाया गया, और वहीं जो प्रशासन की टीम पहुंची थी वोट का मुआयना करने के लिए, उसने आदेश दिए थे जो उसके पास जिस तरह के जो डॉक्यूमेंट है वो सारे कुछ अधिकारियों को पेश किए जाएंगे, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। उधम सिंह नगर के सितारगंज में एक मगरमच्छ घुस आया। मगरमच्छ को देखते ही लोगों की धड़कनें बढ़ गई, वहीं आसपास के लोगों में भी हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक वार्ड नंबर 12 में मगरमच्छ घुस आया, वहीं वार्ड वासियों ने जब मगरमच्छ को देखा तो सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। उसके बाद वन विभाग को सूचना दी गई, सूचना के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है और मगरमच्छ को पकड़ लिया है। मुगदलपुर पुलिस ने 4 चोरी की बाइकों के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस दौरान पुलिस क्षेत्राधिकारी बाजपुर ने बताया कि गदरपुर क्षेत्र में लगातार वाहन चोरी की शिकायतें आ रही थी। इसी क्रम में दिनेशपुर मोड़ पर 2 युवकों को संदिग्ध अवस्था में देखा गया तो उनसे पूछताछ की गई, उन्होंने वाहन चोरी में लिप्त होना बताया। साथ ही चोरी के 4 वाहन भी बरामद किए गए हैं। गदरपुर क्षेत्र में बाइक चोरी की काफ़ी शिकायतें भी आई थी और हमारे थाने में अभियोग भी पंजीकृत किए गए थे, जिसमें हमारे थाना अध्यक्ष के द्वारा जो है थाने स्तर से एक टीम गठित की गई जो गोपनीय तौर पर इन लोगों की जो है सुरागरशी करते रहे। कल दिनांक 11 तारीख को 2 लड़के जो है इन लोगों को संदिग्ध मिले, जिनसे जो है सख्ती के साथ पूछताछ की गई तो इनके द्वारा जो है गदरपुर क्षेत्र से ही 4 बाइकें चोरी किए जाने की घटना को इन्होंने जो है कबूल किया, जिनकी निशानी पर निशानदेही पर जहां पर इन लोगों ने बताया था ये भाखड़ा पुल के नीचे जो है हमने इनको छुपा करके रखा है, तो वहां पर गए और मौके से जो है 4 बाइकें जो बरामद हुई हैं और दोनों अभियुक्तों को भी हमने गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी काजल राय मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। काजल राय, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? गदरपुर में लगातार जो वाहन चोरी की शिकायतें हैं वो बढ़ रही हैं, इसको लेकर पुलिस कितनी ज्यादा सतर्क है? आपको बताना चाहूंगा कि लगातार कुछ दिनों से लगातार चोरियां इतनी बढ़ गई है, लोग जो दहशत में है, लोग जो है अपने घर को छोड़ के कहीं जाने में कतरा रहे हैं, डर रहे हैं। आज जो है इसी अवेश पे पुलिस के कई बार जो है लोगों ने जो दबाव दिया, लोगों ने मिलने के बाद जो है पुलिस की ओर से उच्च अधिकारियों की ओर से जब स्थानीय पुलिस की दबाव मिला तो जो है 2 लोग जो संदिग्ध अवस्था में दिनेशपुर मोड़ में घूमते हुए पाया गया था उनको जो है पकड़ के जब पूछताछ की गई तो उनसे 4 बाइकें जो है चोरी की बरामद की गई। जी ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। हत्या कर शव फेंके जाने की गुत्थी का रुड़की एसओजी की मदद से पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस कप्तान अजय सिंह ने 48 घंटे के अल्टीमेटम के भीतर हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए मुख्य आरोपी समेत 4 आरोपियों को धर दबोचा। छानबीन में सामने आया कि नशे की आदत और पुरानी रंजिश के चलते युवक के दोस्त ने ही लोहे की रॉड से सिर पर हमला करते हुए और चाकू से वार कर अपने दोस्त को ही मौत के घाट उतार दिया था। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी शहजाद मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शहजाद, क्या कुछ ये पूरा मामला है, क्या कुछ अपडेट है? बता दूं, ये पूरा मामला फ्री लाइन कोतवाली क्षेत्र का है और ये 3 दिन पहला जो एक मामला है जहां पर एक डेड बॉडी मिली थी उसको पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था और वहीं एसएसपी जो अयोध्या एसएसपी है उन्होंने जो कोतवाली क्षेत्र के कोतवाली नेटवर्क को 48 घंटे का अल्टीमेट खुलासे करने के लिए दिया था, उसका खुलासा आज किया गया और जो मृतक का मारने वाला आरोपी है वो मृतक का साथी ही निकला। उसका दोस्त काफी पुरानी रंजिश के चलते हुए
इसमें उसको 3000 तक और कहीं न कहीं नशे की नशे की भी दोनों लोगों में हालत थी और साथ ही उसके वहां पर जहां उसने घटना को अंजाम दिया था 3 और मुख्य जो नशा करने वाले लोग थे वो भी उसमें संबंधित हो गए थे और उसी का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और संबंधित धारा में मुकदमा दर्ज कर। ठीक है शहजाद, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।